छिल्लू जैसी गहरी आंखों में खिलने लगी अगर तुम्हारी वजह से मैं मसले में आया ना तो मैं तुम्हें अपने हाथों से कत्ल करूंगा। मैं ये सब उस नौजवान ने भी बड़े शाहजी का नाम ही बताया था। ये सब मैं अपने दिल का बोझ लेके हरगिज आपके पास ना आता। अगर आज जन्नत बीबी बड़े शाहजी पर इल्जाम लेकर ना आती, क्योंकि पीर साहब उस नौजवान ने भी बड़े शाहजी का नाम ही बताया था। रजब अली, क्या कह रहा हूं मौलवी नेमतुल्लाह? ये तो आप अल्लाह तबारक ताला जानते हैं, मैं इस हवेली की शान में गुस्ताखी करने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था। वो तो इस सारे वाकये को जानने के बाद मेरे जमीर ने मेरे ईमान को झंझोड़ना शुरू कर दिया। मैं तो इस किस्म की कोई बात आपके सामने अपनी जुबान पर लाने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मुझे वो सब याद है जब एक आम मुसलमान खलीफा वक्त को घसीट कर अदालत के कटहरे में ले आता था। मैं नाकुसुल इल्म हूं पीर साहब, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इल्म मारफत आपके घराने की मीरास है। मैंने मशायख की किताबों में वो वाकया भी पढ़ा है जब एक यहूदी ने हजरत अली करमल्ला वजह पर इल्जाम लगाया तो वक्त के काजी ने हजरत अली को अपने कटहरे में तलब कर लिया था और हजरत अली ने भी एक आम मुसलमान की तरह अपने मुकदमे का दिफा किया था। लेकिन ये सब वही अजीम इंसान कर सकता है जिसके अपने हाथ साफ हैं। जो सबक आप हमें पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं मौलवी साहब, ये हमारे ही अजदाद का है जिसे हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आप जा सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पीर साहब, लेकिन क्या करूं, मैं भी बेटियों वाला हूं और एक कमजोर इंसान हूं। जो आग आज जन्नत बीबी के घर को लगी है उसकी तपिश कल को मेरे घर को भी जला सकती है। यही खौफ मुझे आपके पास ले आया है। मुझे पूरा यकीन है कि जो इल्जाम बड़े शाहजी पर लगा है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन तहकीक करने से असल मुजरिम सामने आ सकता है। आप बेफिक्र हो जाएं मौलवी साहब, आज के बाद इस गांव में कोई घर नहीं जलेगा। एक आखिरी दरख्वास्त करूंगा पीर साहब, मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, किसी तरह से पड़ने वाला दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। आपको तरह तरह के खौफ सता रहे हैं, लेकिन जिस उलझन का शिकार आप मुझे किए जा रहे हैं उस उलझन से निकले बगैर मुझे भी चैन नहीं आएगा। आप फिक्र मत कीजिए, इस सिलसिले में होने वाली तहकीक में हम आपको जहमत नहीं देंगे। आप जा सकते हैं।
क्या हुआ ये? अजब शाह, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरा खून नहीं छोड़ूंगी, दरिंदे, मेरे दादा को मार डाला तूने, मेरी जिंदगी तो बाहर कर दी, छोड़ो मुझे, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, मैं तेरे दरिंदे का खून नहीं छोड़ूंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरी जिंदगी तो बाहर कर दी, मेरे दादा को मार डाला, मार डाला इसने। मैं पूछ रहा हूँ क्या हुआ यार? कुछ पता नहीं शाहजी, रात को शायद इसके दादा को दिल का दौरा पड़ा और बेचारा दरवाजे तक आते आते मर गया और ये बेचारी पागल हो गई। लड़की ने जो हम पर इल्जाम लगाए हैं वो कोई पागल ही लगा सकता है। क्या तुम ये सब गवारा करते हो कि कोई पागल हम पे झूठे इल्जाम लगाए? ठीक है, इस मैयत की तदफीन हमारी जिम्मेदारी है और हम ये हुक्म देते हैं कि इस पागल लड़की को हमारी रियासत की हदों से बाहर निकाल दिया जाए। सच पापा, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं मुकम्मल हो गई हूँ। जब वो मेरी तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बहुत सारी अनायतें कर रहा हो। जब उसने मेरा हाथ थाम कर मुझे ये कहा कि अब मोहब्बत का आगाज तो हो गया है, अंजाम की परवाह मत करना, तो मेरे दिल ने मुझसे कहा कि अब किसी भी लम्हे किसी भी सूरत अगर मुझे मौत भी आ जाए तो मुझे कबूल है। क्या हुआ है उसे? कल रात वो रजब भाई की दरिंदगी का निशाना बन गए। तुम्हें किसने बताया जेबी? अच्छू ने, और यही नहीं, इससे पहले गांव में जितनी भी लड़कियों की लाशें मिली हैं, ये जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं, सबका एक ही शिकारी है। तो जन्नत को भी मार डाला उसने? नहीं बीबी जी, पता नहीं कैसे पर वो बच गई है। बच गई है तो क्या बीबी जी, वो सीधे पीर साहब के पास स्थाने पहुंच गई थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था बीबी जी, गांव वालों ने तक्के मार मार उसको वहां से निकाल दिया। हैरत है, किसी की बतवा भी नहीं लगती इस दरिंदे को। हमारा तो दिल चाहता है कि बाबा जान और अम्मा जान से जाकर इसके सारे पोल खोल दें। नहीं आपा, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। हम किसी से नहीं डरते सीपी। आपा, अब्बा जान इसके लिए सबूत मांगेंगे और ना ही आपके पास कोई सबूत है और ना ही मेरे पास, और जिनके पास है अपनी जान तो दे देंगे लेकिन रजब भाई के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। क्या हुआ शाहजी, परेशान लग रहे? हाँ नसीब, परेशान तो है। खुदा खैर करे, ऐसी क्या बात हो गई है? आपके चेहरे पर परेशानी तो मैंने पहले भी देखी है लेकिन ऐसा तस्लीम करते हुए पहली बार सुना है। खैरियत तो है? इस गांव के लोग हम पर भरोसा करते हैं नसीब, हमें अपना मुनसिफ मानते हैं और हम उन्हें इंसाफ फराहम करने के जिम्मेदार हैं। आज इसी जिम्मेदारी ने दहला कर रख दिया हमें। क्या कोई मामला पेश आ गया? हाँ, आज एक लड़की हमारे आस्थाने पर सवाल लेकर आई थी।
किसी ने उसकी इज्जत लूट ली है। वो हमसे इंसाफ तलब कर रही थी लेकिन हमसे भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई, हमने धुतकार दिया उसे। ये क्या कह रहे हैं आप शाहजी? हाँ नजीक, हमने अपने घराने की शान और वकार के साथ दे उस लड़की की इल्तिजा को हकीर जानते हुए उसे धुतकार दिया क्योंकि उसने ये इल्जाम रजब अली पर लगाया है। क्या ये सब खत्म हो जाएगा? अब पंडा सलाम क्या हुआ? अब किधर गए थे? क्या हो गया आपको? बुखलाए बुखलाए फिर रहे हैं, अब बताते क्यों नहीं? किधर गए थे आप? मैं पीर साहब से मिलने गया था। पीर साहब के पास? पर किस लिए? उनसे ये कहने कि जन्नत के साथ जो वाकया पेश आया है उसकी तहकीक करें। तहकीक? पर किसके खिलाफ करेंगे तहकीक? उसी के जिसका नाम लिया जा रहा है। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा बड़े शाहजी को नामजद करें और तहकीक करें। हाय मेरे रब्बा, ये क्या कह दिया आपने? वो जनते तो पागल है, उसने बड़े शाहजी का नाम ले दिया और आपने क्या कर दिया? और जन्नत को पागल किसने बनाया है इसका पता भी तो चलना चाहिए ना। कल अच्छू आया था मेरे पास ये बताने के लिए कि ये वाकया पेश आने वाला है। बड़े शाह जी ने अच्छू और शकूरे को हुक्म दिया था ये सब कुछ करने के लिए लेकिन मैंने अच्छू की बात का यकीन नहीं किया। देख लो, ये वाकया होने से पहले अच्छू ने बड़े शाह साहब का नाम बताया था, जन्नत ने भी बड़े शाह साहब का नाम लिया है, तो इसमें कोई सच्चाई तो होगी। पर आपको क्या जरूरत थी पीर साहब के साथ ये बात करने की? सारा जवाब अपने ऊपर ले लेंगे आप। अच्छू की एक बात ने मुझे हिलाकर रख दिया है रजिया की माँ, अब हाथ से निकल जो। छोड़ा करे इस तरह, आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मैं भला बेटा तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? छुपा भी सकती है, वैसे ही जैसे मुझसे छुपाया गया कि शाहजी शराब पीते हैं, सुहाग रात में घूंघट उठाने से पहले, यही तो इंकशाफ हुआ है मुझ पर। माँ जी बताइए बताइए, और क्या है जो मुझसे अब तक छुपाया गया है? अब यास्मीन बेटा, ये जो तुम बता रही हो ये वाकई मैं नहीं जानती। तो वो क्या है जो आप जानती? कल रात क्या हुआ था? कल रात अगर वो मेरे पास नहीं थे तो कहाँ थे? वो यास्मीन बेटा, वो एक लड़की ने इल्जाम लगाया है कि रजब ने उसकी इज्जत दाग दाग की है।